चलो आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत काम के। पहले अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले डाले थे, अब इसके ऊपर ही ये न्यूमेरिकल है। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, अ बॉडी इज हैविंग चार्ज प्लस 4.8 × 10⁻¹⁸ कूलम, इस्टीमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस और शॉर्टेज। मतलब अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के इसमें बॉडी में से वो एक्सेस हो रहे या मतलब बढ़ रहे या कम हो रहे, तो अपना फॉर्मूला क्या था, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू मतलब चार्ज और ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब एन इज इक्वल टू ई बाय क्यू, ए सॉरी क्यू बाय ई, मतलब क्यू अपने को चार्ज कितना दिया वाला है 4.8 × 10⁻¹⁸ कूलम डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन कितने 1.8 × 10⁻¹⁹ कूलम। देखो फिर ये आएगा 3 और इधर से ये कट, इधर 10⁻¹, मतलब 3 × ये 10⁻¹ ऊपर गए जाने के बाद प्लस हो जाएंगे, फिर कितना आएगा 3 × 10 मतलब कितना 30 बराबर है, मतलब कितना 30 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बॉडी में। फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे अपन, इस्टीमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब नंबर 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है अपने को निकालने के। देखो फिर मोलार मास ऑफ वाटर क्या है, मोलार मास ऑफ H2O क्या है 18 ग्राम, क्या है 18 ग्राम। उसके बाद अपन को क्या निकालने का है, इसका हाइड्रोजन का 1 × 2 कितना 2 और 16 ऑक्सीजन का 16 मतलब कितना 18। उसके बाद अपन निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं एंड गिवन ग्राम मतलब दिए वाले अपना मास, दिया वाला मास कितना है अपना 36 और मोलार मास कितना है 18 मतलब कितना 2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके 2 बराबर है। उसके बाद अपन देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं एन ए मतलब एवोगाड्रोस नंबर और एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, 2 × एवोगाड्रोस नंबर की क्या वैल्यू है 6.023 × 10⁻²³, 6.023 × 10⁻²³। देखो फिर ये कितना आएगा 12 × 10⁻²³, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। देखो उसके बाद ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला है, ये सब केमिस्ट्री में है सीज। उसके बाद देखेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स इज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्या। देखो H2O में मोलार मास कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 10 और प्रोटॉन कितने रहते हैं 8, इसलिए 18। फिर देखो इसके बाद क्या देखेंगे अपन, ये क्या है 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में, तो अपने मॉलिक्यूल कितने 2 × 6.23 × 10⁻²³ इतने मॉलिक्यूल, फिर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर ये कैसे निकालते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये कैसे निकालते हैं। देखो 10 × 2 × 6.023 × 10⁻²³ कैसे क्या लिया ये अपन ने, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दस तो इतने मॉलिक्यूल में इससे मल्टीप्लाई करने का है अपने को, जो आएगा वो अपना आंसर रहेगा। देखो फिर ये इसका कितना आएगा, हाँ इसका कितना आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके आएंगे ये देखो 20 × 6.023 × 10⁻²³ ये आ गए इसके। फिर इसके बाद अपन देखेंगे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है इसमें, टोटल नेगेटिव चार्ज अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो ये आ गया टोटल नेगेटिव चार्ज निकालने का अपने को, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकले कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 20 × 6.023 × 10⁻²³,
टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है अपना देखो, टोटल नेगेटिव चार्ज अपने को 12 × 10⁴, 12 × 10⁴, 12, हाँ देखो ये टोटल टोटल चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने 20 × 6.023 × 10⁷ इंटू 1.6 × 10⁻¹। क्योंकि निगेटिव चार्ज निकलने का इसलिए अपन 10⁻¹ से इसको मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा आंसर अपना, अपना आंसर आएगा देखो इसमें का 2 है ना, इसमें का एक इधर निगेट शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में, फिर इधर कितना आएगा 10⁻¹⁴ आएगा, 10⁻¹⁴ में से -19 गए तो कितना आएगा 10⁻¹⁵ आएगा, फिर 10⁻¹⁵ और 6.023 मतलब देखो 6. फिर अपना क्या बचा 6.023 इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁵ बराबर है। फिर देखो इसमें का अगर अपन एडिशन मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा अपना, और एक बार अपने ज़ीरो अगर शिफ्ट किया मतलब इसको अगर इधर लिया तो अपना आंसर आएगा 1.92 इंटू 10⁻¹⁶, इसका अपन मल्टीप्लिकेशन करके देखो यही आंसर आएगा, समझा टोटल निगेटिव चार्ज कैसे निकालते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे तीसरा, देखो 2 point charges are placed at separation 3 meter in a vacuum. What can be the minimum force between them? देखो 2 point charges हैं, देखो ये एक और ये दूसरा, ये है Q1 और ये है Q2, इसमें का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, इसमें का D इज इक्वल टू क्या है 3 meter, कितना है 3 meter दिया वाला है। फिर अपने क्या निकलने का, इसमें का मिनिमम फोर्स निकलने का है, देखो ये F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 1/4π ε₀ Q1 Q2 / r² बराबर है r². फिर देखो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 9 × 10⁹, ये F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 r² कितना है अपना 9 3 का स्क्वायर 9 9 9 कट, ये F इज इक्वल टू क्या आया 10⁹ × Q1 Q2 बराबर है 10⁹ Q1 Q2। देखो आप अपने क्या बोला है मिनिमम फोर्स बिटवीन दे, मतलब फोर्स कब मिनिमम होगा, फोर्स तब मिनिमम होगा जब Q1 और Q2 मिनिमम होंगे। देख फोर्स इज मिनिमम, फोर्स इज मिनिमम इफ Q1 Q2 इज मिनिमम, अगर Q1 Q2 मिनिमम रहेंगे तो फोर्स मिनिमम रहेगा। फिर देखो मिनिमम चार्ज कितना है, मिनिमम चार्ज इक्वल टू कितना है, मिनिमम चार्ज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू कितना है मिनिमम चार्ज 1.6 × 10⁻¹, ये सबसे मिनिमम चार्ज है। फिर अपन को क्या करने का है, ये F इज इक्वल टू 10⁹ और Q1 की वैल्यू क्या रखनी है, Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁹ और Q2 की वैल्यू भी 1.6 × 10⁻¹ रखनी है। फिर कितना आएगा इधर 1.6 × 10⁻¹ का स्क्वायर आएगा बराबर है। फिर उसके बाद क्या करने का, इसका स्क्वायर निकालने का है, फिर कितना आएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 2.56 × 10⁹ × 10⁻¹⁹, ये 10⁻¹⁸, क्योंकि ये स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई हो जाता है 19 × 2 10⁻¹⁸। फिर इधर से 38 निकाल डालो, कितना आएगा 2.56 × 10⁻¹⁹ 10⁻¹⁹ N, ये अपना मिनिमम फोर्स रहेगा ये दोनों में। इसके बाद अपन देखेंगे ये, इफ चार्ज क्यू इज टू बी डिवाइड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्जेस इन द ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। देखो क्यू इज टू बी डिवाइड मतलब क्यू एक चार्ज है उसको अपन ने दो इसमें डिवाइड किया, शुड बी वैल्यू ऑफ द चार्जेस इज ऑब्जेक्ट दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, मतलब फोर्स जब मैक्सिमम रहेगा तो उसकी वैल्यू निकालने के। देखो ये इधर एक चार्ज है और इधर एक चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, उसको अपन ने डिवाइड किया दो चार्जेस में, एक को दिया अपन ने क्यू और दूसरे को दिया क्यू और इसको दिया क्यू माइनस क्यू,
और इसमें का डिस्टेंस क्या बोला है, डिवाइड ऑन टू ऑब्जेक्ट शुड बी वैल्यू ऑफ द चार्जेस ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। बराबर है, अब इसमें का अपन फोर्स निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है अपना फोर्स का, 1/4π ε₀ q1 q2 r2। बराबर है, फिर 1/4π ε₀ की वैल्यू कितनी है अपनी, हाँ देखो 1/4π ε₀ r2 और q1 q2 क्या है अपने q q-q। बराबर है, फिर अपन क्या करेंगे इसको 1/4π ε₀ और इधर अपन लेंगे q q-q2। इसको ऐसा लिया, उसके बाद अपन देखेंगे, देखो अपने को इसमें की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी की। बराबर है, फिर क्या लेंगे अपन, देखो ये 1/4π ε₀ आर स्क्वायर ये क्या है, कांस्टेंट है, ये इसमें क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि आर की वैल्यू दी वाली और इसकी अपने को क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू क्या है, जब फोर्स मैक्सिमम होगा तब क्यू की वैल्यू निकालनी। देखो फिर एफ टू वी मैक्सिमम, फोर्स टू वी मैक्सिमम, तो क्या होता है फोर्स जब मैक्सिमम रहता है, फोर्स जब मैक्सिमम रहता है मतलब अपने को इसका डिफरेंशिएशन निकालने पहले, क्योंकि डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका अगर डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसका अपन को वैल्यू समझ में, मतलब कितनी आएंगी वो देखेंगे, और फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी डेरिवेटिव लेके अपने को समझ में आएंगे। देखो आप डी एफ बाई डी क्यू, देखो अपन ने अब इसका डेरिवेशन लिया, देखो डेरिवेटिव इसका कैसा आएगा, देखो अपने को क्यू इज वेरिएबल है, क्योंकि डी एफ बाई डी क्यू क्यू वेरिएबल है, मतलब इसका अपन को डेरिवेशन निकाले, और ये क्यू ये कॉन्स्टेंट है, इसका कैसा आएगा डेरिवेशन, देखो इधर बताता आपका मैं, डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1/4π ε₀ आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, फिर इधर क्या आएगा डी बाई डी एक्स, ये क्यू क्यू जो है ना इसमें का, ये देखो क्यू इंटू क्यू का पहले डेरिवेशन लेंगे, क्यू को भी बाहर आएगा, क्यू मतलब आपको डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, इसका डेरिवेशन क्या आता है 1, फिर इसका डेरिवेशन क्या आएगा 1, और इधर क्या बचेगा क्यू, और इधर क्या आएगा डी बाई डी क्यू, डी बाई डी क्यू इन क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का क्या आएगा एक्स स्क्वायर का क्या आता है 2x, जैसे क्यू स्क्वायर का क्या आएगा 2q, मतलब क्या आएगा q-2q, मतलब ये क्या आया q-2q। समझे कैसे आया डेरिवेशन, देखो फिर अपने को क्या स्मॉल q की वैल्यू चाहिए, क्योंकि q को ये देखो ये क्यू क्यू अब उनने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर वो दो पार्ट्स मैक्सिमम फोर्स के हिसाब से निकलने, देखो फिर ये क्यू और क्यू माइनस क्यू, देखो फिर अपन को अगर क्यू की वैल्यू मिल गई स्मॉल क्यू की, तो अपने यहाँ पे रख के उस जो अपने को फोर्स दिया वाला है उसके उसके हिसाब से अपन निकाल सकते हैं, फोर्स जब मैक्सिमम रहेगा तब अपने स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आएंगे q/2, फिर दो फोर्स क्या आएंगे q1 = q/2 और दूसरा क्या आएंगे q/2, जब फोर्स मैक्सिमम रहेगा तो अपने को ये वैल्यू मिलेंगी। फिर अपन पाँचवा अगला देखेंगे, टू आइडेंटिकल स्पीयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट रिपेल इच अदर विद अ फोर्स 8×10⁻³ N। नाउ चार्जेस आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर, दे बिगिन टू रिपेल इच अदर विद अ फोर्स 9×10⁻³ N। फाइंड इनिशियल चार्जेस ऑन द स्पीयर, देखो दो आइडेंटिकल स्पीयर है, देखो ऐसे ये Q1 और ये Q2 आइडेंटिकल स्पीयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट, इसमें का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 3 मीटर, रिपेल इच अदर विद द फोर्स, वो रिपेल कर रहे वो कितना फोर्स है 8×10⁻³, मतलब दूर जा रहे हैं। देखो फिर अपन इसका इक्वेशन पहले लिख देंगे, या फिजिकल टू 1/4π ε₀ आर स्क्वायर q1 q2 by r square। देखो फिर r अपने को डिस्टेंस दिया वाला है, इसमें इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू फोर्स कितना है 8×10⁻³, ये रिपेल करने वाला फोर्स है इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ × q1 q2 by 9 कट हो जाएगा, उसके बाद इधर आएगा 8×10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁹ q1 q2 q1 q2, फिर ये 10⁻⁹ को इधर लाओ, मतलब इधर क्या आएंगे q1 q2 इज इक्वल टू 8×10⁻½। बराबर है, ये आएगा अपना पहला इक्वेशन। उसके बाद देखो क्या है अगली, नाउ चार्जेस आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर से कनेक्ट हुए चार्जेस देन बिगिन टू रिपेल इच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9×10⁻³। देखो फिर उसके बाद क्या बोला है, चार्जेस आर रिपेल इच अदर विद अ मेटेलिक वायर, देखो
जब व्हेन जब चार्जेस स्पीयर आर टच कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर चार्जेस ऑन ईच स्पीयर विल बी, देखो जब चार्जेस पहले आइडेंटिकल हो और वो मेटेलिक वायर से जब कनेक्ट होते हैं तो उसमें का फोर्स कितना रहता है, देखो मतलब उसमें का फोर्स पे रहता है Q1 प्लस Q2 बाय 2, ये पहला फोर्स, और दूसरा भी Q1 प्लस Q2 बाय 2। मतलब देखो क्या बोला है उन्होंने, व्हेन इनिशियल स्पीयर आर टच, व्हेन इनिशियल स्पीयर आर टच, इनिशियल स्पीयर आर टच और कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर, और कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर चार्जेस ऑन ईच स्पीयर विल बी ये इतने चार्जेस रहते, Q1 प्लस Q2 बाय 2। देखो फिर कैसे रहेगा, ऐसा है दो स्पीयर Q1 प्लस Q2 बाय 2, इसमें का डिस्टेंस 3। फिर देखो ये वन पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर Q1 Q2, देखो फिर एफ की वैल्यू कितनी दी वाली, इधर मेटेलिक वायर से जब कनेक्ट है 9 × 10⁻³, क्या है 9 × 10⁻³, इसकी 1/4 पाई 0 कितनी है 9 × 10⁻⁹, और आर स्क्वायर कितना 9 × Q1 Q2, Q1 क्या है अपना Q1 प्लस Q2 बाय 2, और इधर क्या है Q1 प्लस Q2 बाय 2 बराबर। इसके बाद देखो 9 9 कट, 9 इधर आएगा कितना आएगा 9 × 10⁻¹² फिर इधर कितना आएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2² देखो फिर इसकी वैल्यू क्या आएंगी Q1 प्लस Q2 बाय 2 की वैल्यू क्या आएंगी, बाय 2 की वैल्यू आएंगी 3 × 10⁻⁶, मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट लिया तो कितना आएगा 3 × 10⁻⁶ बराबर है। फिर उसके बाद देखो ये 2 इधर जाएगा, क्या आएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁶, कितना आएगा 6 × 10⁻⁶। फिर उसके बाद अपन देखेंगे, देखो अपन क्या करेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, अगर अपने को Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 बराबर है। देखो फिर अपने को बस Q1 प्लस Q2 की वैल्यू उसका स्क्वायर लेने का, मतलब क्या आएगा उसका स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 × 10⁻¹² 10⁻¹² -4 Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है अपनी पहला इक्वेशन 8 × 10⁻¹² बराबर है। तो देखो और अपने क्या निकालने का है Q1 माइनस Q2 बराबर है, Q1 माइनस Q2 निकालने का, ये अपना सेकंड इक्वेशन हो जाएगा Q1 माइनस Q2 निकालने का। देखो फिर 4 × 8 = 32, 32 से 36 दिया तो कितना आएगा 4 × 10⁻¹² इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बराबर है। फिर देखो अगर सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर सॉल्व किया तो अपना आंसर क्या आता है, अपना आंसर आता है Q1, देखो 36, देखो इधर क्या दिया वाला है इसका स्क्वायर दिया वाला है, अपने को स्क्वायर रूट चाहिए तो इधर क्या आएगा 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, अगर ये दोनों को सॉल्व किया तो अपना आंसर आएगा Q1 की वैल्यू आएंगी अपने 4 × 10⁻⁶ कूलम, और Q2 की वैल्यू आएंगी वो 2 × 10⁻⁶ कूलम। उसके बाद अगला देखेंगे, देखो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू इन द फॉलोइंग केसेस, देखो टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
क्यू क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जीरो, एफ जीरो लेने के। देखो फिर ये केसेस, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू, इधर चार्ज क्यू दिया वाला है, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का है अपने को। देखो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू, देखो फिर पहले फोर क्यू लेंगे, पहला क्या लेंगे एफ एफ वन, देखो क्या आएगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, इधर में इसमें और इसमें का लेंगे कितना आएगा फोर क्यू पहला, दूसरा आएगा क्यू डिवाइड बाय डी इंटू डी कितना टू डी स्क्वायर बराबर है, डी प्लस डी टू डी, टू डी का स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर है, ये क्या आएगा फिर टू टू का टू आएगा इधर, और क्या बोले थे वो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, देखो वन बाय फोर एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर की वैल्यू एफ जीरो लेने की, फिर देखो इधर टू जाते हैं मतलब क्या आएगा टू एफ जीरो, इतना आएगा टू एफ जीरो, उसके बाद देंगे अपन एफ टू, एफ टू कैसे टू क्यू इंटू क्यू, टू वर्ड्स राइट है मतलब राइट की तरफ फोर जा रहा है, क्या है टू वर्ड्स राइट बराबर है, उसके बाद लेंगे एफ टू, एफ टू क्या आएगा वन बाय फोर फाइव सेवन जीरो टू क्यू क्यू वन बाय डी स्क्वायर बराबर है बराबर डी स्क्वायर, उसके बाद देखो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, इसकी वैल्यू आएंगी ये पूरी की वैल्यू आएंगी एफ जीरो और ये टू मतलब टू एफ जीरो टू वर्ड्स राइट मतलब ये राइट की तरफ जा रहा है इसलिए टू वर्ड्स राइट बराबर है। उसके बाद देखेंगे अपन एफ थ्री, एफ थ्री क्या आएंगा अपना ये इधर से यहाँ पे आएंगे मतलब क्या आएंगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू मतलब क्यू वन इंटू क्यू टू मतलब क्यू क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ये क्या है एफ जीरो, इधर दिया वाला एफ जीरो की वैल्यू टू वर्ड्स क्या है लेफ्ट, टू वर्ड्स लेफ्ट, टू वर्ड्स लेफ्ट, फिर अपन क्या निकालने का रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू, फिर रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा देखो क्या है नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू, रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू क्या आएगा एफ वन प्लस एफ टू माइनस एफ थ्री, माइनस एफ थ्री कैसे आएंगे ये टूवर्ड्स लेफ्ट है और ये दो टूवर्ड्स राइट है इसलिए इधर क्या आएगा माइनस एफ थ्री, फिर एफ वन की वैल्यू क्या है टू एफ जीरो प्लस इधर टू एफ जीरो माइनस एफ जीरो कितना आएगा फिर थ्री एफ जीरो कितना आएगा सॉरी एक तरफ ना क्या आएगा इधर आएगा टू डी का स्क्वायर है मतलब इधर क्या आएगा फोर डी स्क्वायर मतलब फोर फोर दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इधर सिर्फ एफ जीरो आता है, फिर देखो इधर क्या आएगा एफ जीरो कैंसिल, फिर इधर आएगा टू एफ जीरो, टू एफ जीरो टू वर्ड्स राइट, टू वर्ड्स राइट। उसके बाद देखेंगे अपन ये ट्राइंगल दिया वाला इसमें का अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने का, देखो फिर ये लेंगे एफ वन, ये फोन लेंगे अपन नाइन क्यू से क्यू तक, ये क्यू इधर दिया वाला है मतलब ए से बी तक, फिर क्या आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो नाइन क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय थ्री डी का स्क्वायर, थ्री डी स्क्वायर, थ्री डी स्क्वायर क्या आएगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो नाइन क्यू क्यू डिवाइड बाय नाइन डी स्क्वायर, नाइन नाइन कट मतलब कितना एफ जीरो, एफ जीरो आएगा बराबर। उसके बाद अलोंग ए बी है, अलॉन्ग क्या है ए ए और ये बी, ये क्या है ये और ये बी और ये सी अलॉन्ग ए बी। उसके बाद देखेंगे अपन एफ टू, एफ टू क्या है अपना वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो सिक्सटीन क्यू से जा रहा मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहा मतलब क्या आएगा सिक्सटीन क्यू क्यू डिवाइड बाय फोर डी स्क्वायर, फिर क्या आएगा इधर एफ जीरो अलॉन्ग सी बी, अलॉन्ग सी बी। देखो फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालने का है, देखो फिर ये क्या है ये ट्राइंगल है ऐसा इधर बीच में है मतलब या ऐसा इधर आएगा या ऐसा मतलब ये एफ वन और ये एफ टू और ये इधर 90 में एंगल बना रहा है इसलिए देखो अपना रिजल्टेंट फोर्स का क्या फॉर्मूला था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, फिर थीटा कितना इधर 90 है फिर कॉस 90 क्या है जीरो, फिर क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब फोर्स वन फोर्स टू का स्क्वायर, फोर्स वन कितना है अपना एफ जीरो का स्क्वायर
क्या है, ये एफ जीरो का स्क्वायर प्लस ये एफ जीरो का स्क्वायर, दूसरा भी एफ जीरो का स्क्वायर, मतलब क्या आएगा अंडर रूट टू एफ जीरो, अंडर रूट टू एफ जीरो। अगर फीस में लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब।